बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबा फुरकान सूरतुल मोमिन मक्की नंबर 40। कुरान मजीद की तफसीर खुद कुरान मजीद से अज अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब, अखज़ो तलखीस मोहम्मद अकबर दीक्षित भारद्वाज, नज़रसानी डॉक्टर इनामुल हक। आयत नंबर 28। وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ। قوم فرعون کا ایک مرد مومن جو اس وقت تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اٹھا اور بڑے دربار میں کہا کہ کیا تم एक शख्स को महज इस जुर्म की पादाश में कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास वाज़े दलाइल लेकर आया है। अगर वो अपने दावा रिसालत में झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर पड़ेगा। अगर वो सच्चा है तो याद रखो कि जिन तबाहियों के मुतालिक वो तुम्हें आगाह कर रहा है वो तुम पर आकर रहेंगी। खुदा का उसूल है कि वो किसी झूठे और कानून खुदाबंदी से सरकशी बरतने वाले को कभी कामयाबी की राह नहीं दिखाता। रजल मोमन का मफहूम। रजल के अमानी आमतौर पर मर्द के आदमी के होते हैं, लेकिन अरबी जबान में रजल उस शख्स को बोलते हैं जब उसमें वाकई जुर्रत और बेबाकी की मर्दाना खसूसियात हों। उसको हमारी जबान में जीदार मर्द मैदान कहते हैं। पंजाबी में ऐसे शख्स को जने दा पुत्र कहते हैं, यानी बेबाक नडर मर्द का बेटा। अगर किसी शख्स का ये अंदाज हो तो अरब साथ में रजल भी कहते हैं। अगर मोमन भी कहा जाता तो उसके मानी भी एक मर्द मोमन ही होता। कुरान करीम ने इस मर्द मोमन के साथ उसकी सिफत रजल भी बयान की है कि वो जुर्रत और बेबाकी और कुव्वत का मुजस्मा है। आगे जो तकरीर है उससे मालूम होता है कि कुरान का मर्द मोमन फिरौन की काबीना या पार्लिमान से ताल्लुक रखता था और एक आला पोजीशन का फर्द था। मर्द मोमन ने अपनी तकरीर में वाज़े किया कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है तो तुम्हारी मुखालिफत समझ में आती है, लेकिन वो तो अपनी नहीं खुदा के कवानीन पर मबनी खुदा की हुकूमत कायम करना चाहता है। जो शख्स इस्लामी हुकूमत का दावा लेकर उठेगा उसमें पहली चीज यह है कि सरबराह ममलकत का अपना कोई जाती अमल दखल नहीं होगा। अगर एक शख्स की जगह ये सरबराह हाकम हो गया तो जैसा शिर्क वो पहला शख्स कर रहा था अब यह ममलकत का सरबराह कर रहा होगा। सरबराह ममलकत का सिर्फ इतना काम है कि वो कवानीन खुदाबंदी को नाफिज करे, खुद भी कवानीन की अतात करे और दूसरों से भी अतात का मुतालिबा करे। मर्द मोमन ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ खुदा के कवानीन नाफिज करेगा। जज्बात इल्म से हम आहंग ना हो तो इंसान जज्बात की रौ में बह जाता है। बिलाखिर फिरौन तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा अपनी काबीना के सामने रखता है और इस्तकबार से कहता है कि मुझे छोड़ो कि मैं उसे कत्ल कर दूं, फिर देखता हूं कि वो किस तरह अपने खुदा को मदद के लिए बुलाता है। सूरह 40 आयत नंबर 26। नजर आता है कि डिक्टेटर होने के बावजूद उसकी हुकूमत में काबीना से मशवरा करने का अंदाज था। ऐसे नाजुक मरहले में फिरौन की कौम का मर्द मोमन उठता है और उनके सामने तकरीर करता है। दरबारे फिरौन के इस मर्द मोमन की तकरीर आयात 28 ता 44 पर फैली हुई है। कुरान बताता है कि वास्तैकंतहा अनफुसुहुम जुल्मन वअलुवा, सूरह 27 आयत नंबर 14। उनके दिल तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात से मुतमईन थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन जुल्म व उल्वन
सूरह 27 आयत नंबर 14 के अस्तकबार के बड़ा बनने के जज्बात उनके रास्ते में हायल हो रहे थे कि वो हक बात जुबान पर न लाएं। ये मुनाफिकत की वजह से नहीं था। ऐसा होता है कि लोग एक बात को मानते हैं लेकिन जज्बात उन्हें सर तस्लीमें खम करने से रोकते हैं। उन्हें कुरान करीम ने अनानियत के बड़ा बनने के जज्बात कहा है। फिरौन और उसकी कौम सोचती थी कि आज तक तो हम कौम बनी इसराइल को महकूम रखते चले आए हैं, इतने अरसा से हम मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहते चले आए हैं, अब हम मूसा अलैहिस्सलाम को सच्चा तस्लीम करके बनी इसराइल के सामने पस्त हो जाएंगे, यानी ये जज्बा के मैं पस्त हो जाऊंगा उनके रास्ते में हायल था। फिरौन ने कहा यह था कि ये हमारे जैसा बशर है और उसकी कौम हमारी महकूम है। सूरह 23 आयत नंबर 47। वैसे भी देखने में आया है कि हाकम व मुतकब्बिर गुलाम और महकूम कौम की बात को तस्लीम ही नहीं करते। कुरान ने बड़े ही हसीन अंदाज में इल्म और जज्बात का तकाबुल बताया है। अगर इल्म यानी जानने से इंसान के जज्बात हम आहंग नहीं होते तो ये इल्म की बजाय जज्बात की रहनुमाई में चलता रहता है। इल्म और जज्बात के तकाबुल को आगा हशर मरहूम 1889 ता 1935 ईस्वी ने अपने एक शेर में यूं बयान किया है, किसे मालूम था कि इश्क इस तरह लाचार करता है, दिल उसको जानता है बेवफा और प्यार करता है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 1869 ता 1997 ईस्वी ने इल्म और जज्बात के तकाबल को यूं बयान किया, जानता हूं सवाब इताअत और जुहद पर तबीयत इधर नहीं आती, तबीयत का जानने यानी इल्म के मुताबिक आ जाना भी जरूरी है, दिल तो मान जाता है लेकिन तबीयत की अनानियत माने होती है। अनानियत सदाकत को तस्लीम करने नहीं देती, लेकिन एक हादसा बाहिम्मत मर्द को मजलूमों का हामी और नासर बना देता है। कुरान करीम ने जहां भी जज्बात की बात की है वो अनानियत के बड़ा बनने के जज्बात की बात की है कि हम इतने बड़े और भला उसकी बात मान लें, हम तो हेच हो जाएंगे, पस्त हो जाएंगे। कुरान के मर्द मोमन का दिली झुकाव तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ था, ईमान अंदर था लेकिन ये अभी बाहर नहीं आया था क्योंकि वो भी कौम फिरौन के दिली झुकाव रखने वालों में से एक था। कुरान कहता है कि या तो वो ईमान आहू सूरह 40 आयत नंबर 28। वो ईमान को छुपाए हुए था, ये मुनाफिकत की बात नहीं थी बल्कि अनानियत तकबर और बड़ा बनने के जज्बे की बना पर जो हाकम कौम में होते हैं वो हकीकत जबान पर नहीं ला रहा था। ऐसे अफराद कौम फिरौन में और भी थे, नजर आता है कि इससे पहले तो वो बर्दाश्त करता चला आया लेकिन जब कत्ल कर देने की नौबत आई तो उसका जमीर यकाचक बेदार हो गया। यानी अनानियत और तकबर के जज्बात के ऊपर हकीकत और फरासत का एतराफ गालब आ गया और कुरान का मर्द मोमन उठ खड़ा हुआ। ऐसे मौके इंसान की जिंदगी में आते हैं जब एक डाकू बदमाश भी यकायक गरीबों मोहताजों और ज़ईफों का हामी बन जाता है और उनके लिए जान देने पर आमादा हो जाता है। यह जज्बा तहता शऊर में तो होता है लेकिन जज्बात गालबा होने की वजह से वो उभरता नहीं। बाज औकात कोई वाकया इतना शदीद होता है कि इस किस्म के जज्बात मगलूब हो जाते हैं और सदाकत उभर कर सामने आ जाती है। ऐसी ही कश्मकश से मर्द मोमन गुजरा और सदाकत और फरासत जज्बात पर गालब आ गए। वो उठा और बेबाकाना कहा, आतक्तुलूना रजुलन अन याकूला रब्बी अल्लाह, सूरह 40 आयत नंबर 28। क्या तुम सिर्फ इस जुर्म में उस शख्स को कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? यक तुम ईमान हो, सूरह 40 आयत नंबर 28। वो ईमान को छुपाए हुए था का मफहूम ये नहीं कि मुनाफकत जायज है। युजिल्लो बेही कसीरम व यहदी बेही कसीरन, सूरह 2 आयत नंबर 26। इसी कुरान से बहुत से लोग तो सही रास्ते पे आ जाते हैं और उसी की गलत और बातल छंद लेकर अपनी मफाद परस्ती के लिए बहुत से गुमराह भी हो जाते हैं। यक तो वो ईमान हो 40:28, वो ईमान को छुपाए हुए था से बहुत से मुफस्सरीन ये दलील लाए कि उम्र भर मुनाफिकत की जिंदगी बसर की जा सकती है, यानी दिल में कुछ और जबान पर कुछ, और यह कि जरूरत पड़े तो झूठ बोलना वाजिब हो जाता है। मौलाना मौदूदी साहब 1923
1989 ईस्वी का फतवा है कि रास्तबाजी और सदाकत शुआरी इस्लाम के अहम तरीन असूलों में से है और झूठ उसकी निगाहों में एक बदतरीन बुराई है, लेकिन अमली जिंदगी की बाज़ ज़रूरतें ऐसी हैं जिनकी खातर झूठ की न सिर्फ इजाजत है बल्कि बाज़ हालात में उसके वजूब तक का फतवा दिया गया है। सुलह बैन उन्नास और अजदवाजी तलकात की दुरुस्ती के लिए अगर सदाकत को छुपाने से काम चल सकता हो तो जरूरत की हद तक झूठ से काम लेने की शरीयत ने साफ इजाजत दी है। झूठ के लिए कुरान से शरीयत से दलील लाना सरासर ज्यादती है। यह तो कुरान करीम से गुमराह होने वाली बात है। दरअसल कुरान को समझने का तरीका यह है कि कोई बात एक मकाम पे आए तो बाकी कुरान में देखा जाए कि किसी और जगह उसकी कोई तफसीर, कोई तशरीह, कोई वजाहत, कोई इजाफा किया गया है या नहीं। वो मकामात सामने लाने से बात साफ हो जाती है। कुरान को समझने का यह तरीका खुद कुरान ने बताया है। अगर यक तुमो ईमाना हो सूरह 40 आयत 28 को सतही तौर पर लिया जाए तो वो सारे नताइज इससे मुस्तमद होते हैं जो ऊपर बयान हुए हैं। कुरान करीम ने खुद कहा है कि उनके दिल तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात से मुतमइन थे लेकिन अनानियत और तकब्बुर के जज्बात उनके रास्ते में हायल थे, सूरह 27 आयत नंबर 14। यह देखा गया है जब लोग एक बार मुखालिफत कर लें तो फिर वो हक को सदाकत को तकब्बुर और गुरूर की वजह से कम ही तस्लीम करते हैं कि तस्लीम करने से तो मैं पस्त हो जाऊंगा। चूंकि कुरान का मर्द मोमन कौम फिरौन में से था इसलिए वो भी कौम फिरौन के दीगर अफराद की तरह अपने ईमान को छुपाए हुए था और हाकम कौम से मुतल्लक होने की वजह से बड़ेपन के जज्बात ने ईमान को बाहर ना आने दिया। दिल तो मान रहा था लेकिन अनानियत माने थी। कत्ल का इरादा सुनते ही मर्द मोमन का इल्म व फरासत और हकीकत का एतराफ अनानियत के जज्बात पर गालबा आ गए और उसने फिरौन और दरबारियों के सामने बेबाकाना अंदाज में तकरीर की। रबी अल्लाह हो मेरा रब अल्लाह है का मफहूम मजहबी तबकों में रबी अल्लाह हो सूरह 40 आयत नंबर 28 के मानी हो गए कि अगर कोई हुकूमत लोगों को रबी अल्लाह कहने की यानी खुदा की परस्तिश करने की इजाजत दे दे तो फिर ऐसी हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बिल्कुल जायज है। बात देखने की ये रह जाती है कि हुकूमत नमाज रोजे की इजाजत देती है या नहीं। ये इजाजत देती है तो चाहे वो जुल्मम व उल्वन 27-14 करती फिरे तो भी सब ठीक है। सनद में बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश की जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो कुरैश के सरदारों में से एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर लपेटकर चादर को बल दिए और गला घुट गया। एक सहाबी ने आकर छुड़ाया तो उस वक्त उसने ये कहा, आतक्तुलूना रजुलन अन याकूला रबी अल्लाह सूरह 48 आयत नंबर 28। क्या तुम उस शख्स को इस जुर्म में मार देना चाहते हो कि ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। मजहब कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ रहे थे वो है असल में अल्लाह को अपना रब कहना। उन्होंने कुरान के मर्द मोमन के वाकया को नमाज पढ़ने पर मनतबक किया और उसको खुदा की परस्तिश करने की सनद बना लिया। झूठा नबी मिर्जा 1835-1908। उठा और कहा कि अंग्रेजों की हुकूमत में मुसलमानों को नमाज रोजा हज व ज़कात की आजादी है तो इसी का नाम इस्लाम है। जब वो हमारे इस्लाम में मुदाखलत नहीं करते, हमें खुदा की परस्तिश करने की इजाजत देते हैं तो उसके बाद उनकी हुकूमत के ताबे जिंदगी बसर करना ऐन इस्लाम है। और सनत यह है कि अंग्रेज रबी अल्लाह सूरह 40 आयत 28 कहने की इजाजत देते हैं। मर्द मोमन ने फिरौन से यही कहा था कि तुम क्यों उसको रोकते हो। अगर फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की परस्तिश करने देता यानी रबी अल्लाह कहने देता तो फिर फिरौन का कोई जुर्म ना था। आपने देखा कि कुरान हमीद से फिर बात कहां से कहां पहुंचाई जा रही है। इसी सनद को लेकर जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद के सदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी मरहूम 1889-1957 ईस्वी और उसके साथी उलमा ने अल्लामा इकबाल 1877-1938 को और कायदे आजम 1876-1948 से कहा था कि यहां हिंदुस्तान में हिंदुओं की जमहूरी हुकूमत में मुसलमानों को नमाज रोजा हज व ज़कात और शख्सी कवानीन की पूरी आजादी होगी।
तो फिर इस्लाम तो आजाद हुआ, फिर तुम क्यों कहते हो कि हमें इस्लाम की खातर एक दूसरी ममलिकत बनानी है? जिन्नाह क्यों कहता है कि इस्लाम का तकाजा अपनी आजाद ममलिकत है? इस्लाम का ये तकाजा नहीं है, ये फरेब दही है। जिन्नाह ने ख्वामखा ये मसाला खड़ा किया हुआ है क्योंकि हिंदू हमें रबी अल्लाह कहने की पूरी आजादी दे रहा है। आपने देखा कि इतनी सी बात को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। उलमा इकराम ने रबी अल्लाह का मफहूम खुदा की परस्तिश करना ले लिया। ये रबी अल्लाह का कुरानी मफहूम नहीं है। रबी अल्लाह का कुरानी मफहूम है खुदा का निजाम रबूबियत कायम करना। इसी सूरत में फिरौन कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि यह शख्स तुम्हारे निजाम हुकूमत को बदल देगा, अगर ऐसा न कर सका तो इससे कम अज कम मुल्क में फसाद तो फैल जाएगा। सूरह 40 आयत नंबर 26। यह खुदा परस्ती की बात नहीं थी। फिरौन ने तो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ फर्द जुर्म ही ये आयत किया था कि यह तुम्हारे निजाम हुकूमत को बदल देगा। कुरान का एक और मकाम मुलाहजा फरमाए, वातकूना लकुमल किबरिया ओ फिल अर्जे, सूरह 10 आयत नंबर 78। ये यहां अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। फिरौन तो इससे बरमला कह रहा है कि तुम अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हो तो रबी अल्लाह महज खुदा की परस्तिश करने की बात ना थी, बल्कि ये तो खुदा का निजाम रबूबियत कायम करने की बात थी। क्या कुरान के मर्द मोमन ने यह कहा था कि तुम नमाज पढ़ने और खुदा की परस्तिश करने के जुर्म में इसको कत्ल कर दोगे? नहीं, उसने कहा यह था कि क्या तुम खुदा का निजाम रबूबियत कायम करने के जुर्म में इसे कत्ल कर दोगे? अपनी ममलकत में दूसरा निजाम कौन कायम करने देता है? यह था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुर्म जिसको कुरान के मर्द मोमन ने बयान किया था। अगर महज नमाज रोजा की बात होती तो फिरौन ये ना कहता कि ये यहां अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है, ये निजाम को बदलना चाहता है, यह बगावत पर आमादा है, इसलिए कत्ल किए बगैर यह फितना खत्म नहीं होगा। यह है रबी अल्लाह, जिसे आज भी कोई कायम करना चाहे तो कोई नहीं करने देगा। रबी अल्लाह में बात सिर्फ नमाज तक महदूद न थी, वो तो फिरौन के इक्तदार की बुनियाद की नफी थी। ये रबी अल्लाह बड़ी चीज है, इसमें फिरौन के इक्तदार की बुनियाद की नफी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला रब्बुस समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, सूरह 26 आयत नंबर 26। खुदाए रब्बुल आलमीन वो है जो कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में हर शय की नशवो नुमा करता है। इसके जवाब में फिरौन ने कहा, काला लिमन हौलहु अला तस्तमियून, सूरह 26 आयत नंबर 25। ए दरबारियो, सुन रहे हो ये क्या कह रहा है? यानी ये इतनी बड़ी बगावत की बात कर रहा है। अगर फिरौन तस्लीम कर लेता कि सब कुछ अल्लाह की मलकियत है तो फिरौन का इक्तदार ही कहां रहता? कुरान के मर्द मोमन ने रबी अल्लाह कहकर बात यह की थी कि यह बात तो ठीक है कि मूसा अलैहिस्सलाम इक्तदार छीनना चाहता, लेकिन वो अपनी नहीं बल्कि खुदा की हुकूमत कायम करना चाहता है। यहां मर्द मोमन ने फिरौन के आयद करदा जुर्म की बुनियाद काट दी कि यह अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से यह कहा था कि फा अर्सिल माना बनी इसराइला, सूरह 20 आयत नंबर 46। मैं तुम्हें नहीं छेड़ता, बस कौमे बनी इसराइल को जिसे तूने महकूम बनाया हुआ है को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे ताकि ये खुदा की महकूमियत में आ जाएं। कुरान में फिरौन का एतराफ मौजूद है कि वा कौमो हो मा लना आबेदून, सूरह 23 आयत नंबर 47। उसकी कौम हमारी महकूम है। देखा आपने कि आबिद और अबादत के अल्फाज कुरान करीम में किन मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि बात नमाज रोजा की नहीं थी, बात यह थी कि इक्तदार का हक फिरौन को हासिल है या खुदा को, जिसकी कुरान के मर्द मोमिन ने रब्बी अल्लाह कहकर वजाहत की थी और कहा था कि महज इस जुर्म में कि वो खुदा की हुकूमत कायम करना चाहता है तुम उसको कत्ल कर देना चाहते हो। हालांकि कब जा आकुम बिल बैनात मिन रब्बिकुम, सूरह 40 आयत 28। ये खुदा की तरफ से वाज़ह दलाइल लेकर आया है। आयत नंबर 29, यौकौम लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीना फिल अर्ज़ फमन यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाअना काला फिरौनु मा उरीकुम इल्ला मा आरा व मा आदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। मर्द मोमन ने कहा, ए मेरी कौम के लोगो, बेशक आज इस सरजमीन पर तुम्हारी बादशाहत है और हर तरफ तुम्हारा ही गलबा है,
लेकिन ये बताओ कि अगर हम पर खुदा का अजाब आ गया तो उससे हमें कौन बचा सकेगा। फिरौन ने बात काटते हुए कहा कि मैंने जो सही समझा, मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना उसे तुम्हारे सामने पेश कर दिया। याद रखो, मैं तुम्हें हमेशा वही राह बताया करता हूं जो तुम्हारे भले की हो। फिरौन का अरादाए कत्ल मर्द मोमन की तकरीर सुनकर जहाज की तरह बैठ गया। कुरान के मर्द मोमन ने कहा कि अगर ये अपने दावाए रसालत में झूठा है तो उसका वबाल उस पर ही पड़ेगा, और अगर ये सच्चा है और तुम अपनी बातिल रविश पर कायम रहे तो फिर तुम्हें अजाब भुगतना पड़ेगा। अगर ये झूठा हुआ तो तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो कत्ल कर देने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुमने इसे कत्ल किया और ये सच्चा हुआ तो तुम तबाह हो जाओगे। सूरह 40 आयत नंबर 28। यानी क्या तुम इसको कत्ल कर देने के बाद आने वाली तबाही से बच जाओगे? सोचने की बात यह है कि यह बात सही कह रहा है या नहीं। यह तुम पर वार नहीं कर रहा है, तुम्हें कत्ल की धमकी नहीं दे रहा, अपनी बात को दलायल के साथ पेश कर रहा है, तो तुम क्यों ओछे हथकंडों पर उतर आए हो? तुम आज बड़बड़ कर बातें कर रहे हो तो उसकी वजह यह है कि आज तुम्हें मुल्क में गलबा हासिल है, लेकिन जब तबाही आई तो बताओ कौन तुम्हें बचाएगा? सूरह 40 आयत नंबर 29। मर्द मोमन कौमे फिरौन के उन अफराद में से था जो सर तसली में खम तो किए हुए थे लेकिन अनानियत खुले बंधों एतराफ से रोक रही थी। मर्द मोमन ने कहा कि इसे कत्ल ना करो, अगर बात आज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो कल समझ में आ जाएगी और तुम बच जाओगे, लेकिन अगर ये न रहा तो फिर तबाही से बचने की तदाबीर कौन बताएगा? तो फिर तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं रहेगी, इसलिए इसे कत्ल ना करो। ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, वो कह ये रहा है कि तुम्हारी बातिल रविश के फितरी नताइज तुम्हें तबाह कर देंगे। जब फिरौन ने देखा कि दरबार में लोग उसकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं, कायल हो रहे हैं, और सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, तो पैंतरा बदलते हुए कहा कि ऐ दरबारियों, बात यह है कि मैंने जो कुछ सही समझा ईमानदारी से तुम्हारे सामने रख दिया, मैंने तुम्हारे भले की बात की है। अब फिरौनियत का इस्तकबार झुका, अब वो कह रहा है कि मैं कोई हुक्म नहीं दे रहा हूं, अपना फैसला तुम पर नहीं ठोंस रहा हूं, मैं तो एक राय पेश कर रहा हूं, और ना मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करना चाहता हूं। मुझे तो बहरहाल इसका कत्ल करना सही मालूम हुआ था, जो मैंने तुम्हारे सामने बात रख दी। मर्द मोमन की तकरीर सुनकर फिरौन का गुस्सा जहाज की तरह बैठ गया। आयत नंबर 30। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب। मर्द मोमन ने अपने सिलसिलाए कलाम को जारी रखते हुए कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारे साथ भी वही कुछ ना हो जो पहली कौमों के साथ हो चुका है। आयत नंबर 31। مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد। मसलन तुम्हारी हालत भी वो ना हो जाए जो कौम नूह, आद और समूद की या उनके बाद आने वाली अकवाम की उनके गलत अमाल की वजह से हो चुकी है। अल्लाह अपने बंदों में से किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं किया करता। मर्द मोमन ने फिरौन के सामने कौम नूह, आद और समूद की इबरतनाक तबाही को पेश किया। कुरान ने बताया है कि कौम फिरौन में ऐसे लोग थे जो दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुत्तफिक थे, लेकिन वो राउनत, अनानियत और कुव्वत का नशा उन्हें हक बात जुबान पर नहीं लाने देता था। इसीलिए फिरौन को कहना पड़ा कि मैं धांधली से यह चीज नहीं करना चाहता, यह मेरी राय है और मेरी दानिश्त में यही बेहतर है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। मर्द मोमन ने फिरौन की बात की तरफ तवज्जो न दी और अपनी तकरीर को जारी रखा। कुरान करीम के अंदाज को इस मर्द मोमन ने भी इख्तियार किया कि एक दावा किया और फिर दावा की दलील में या शहादत में तारीख की शहादतें पेश की। नजर आता है कि कौमे फिरौन, कौमे नूह,
आद और समूद की तबाही से वाकिफ थे। हो सकता है कि उनकी उजड़ी हुई बस्तियां उनके कुर्बजवार ही में हों। कहा कि जैसा बातिल निजाम उन्होंने अपने यहां कायम कर रखा था, वैसा ही बातिल निजाम तुमने भी अपने यहां कायम किया हुआ है। जब वो अकवाम तबाहो बर्बाद हुई तो तुम पर तबाही और बर्बादी क्यों नहीं आएगी? वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। की वजाहत। एक सूरत तो यह है कि एक ताकतवर शख्स कमजोर पर जोरो जबरों से तम करता है, यह जुल्म ताकतवर की जात की तरफ से होता है और कमजोर शख्स उसके खारजी जुल्म को बर्दाश्त करता है, यह है जिसे जुल्म कहा जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि एक शख्स या कौम अपनी ही गलत रवश का फितरी नतीजा भुगतती है तो यह जुल्म नहीं बल्कि गलत रवश का फितरी नतीजा होता है, यह खारिज से वारद नहीं होता। लेकिन नतीजा तो दोनों सूरतों में तबाही और बर्बादी है। इन दोनों कैफियात को एक मिसाल से समझिए। एक मौत तो वो है जो किसी जालिम के खंजर से वाक्य होती है, यह एक जालिम के अमल से वाक्य होती है, और दूसरी मौत वो है जो खुद संख्या खा लेने या खुदकुशी से वाक्य होती है। मौत तो दोनों सूरतों में होती है लेकिन इनमें बड़ा फर्क है। एक मौत जालिम के खंजर से खारजी अमल से हुई तो दूसरी इंसान के अपने अमल का फितरी नतीजा है। खुदा की तरफ से जो तबाही और बर्बादी आती है वो जालिम के खंजर जैसी नहीं होती बल्कि ये नतीजा होता है खुदा के कवानीन के खिलाफ चलने का। इसलिए कहा वामल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, सूरह 40 आयत नंबर 31। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। खुदा के बंदे वो होते हैं जो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। जाहिर है ऐसे लोगों को आमाल का फितरी नतीजा तबाही और बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ता, और जो खुदा का बंदा बनने से इनकार करते हैं यानी कवानीन खुदाबंदी के खिलाफ जिंदगी बसर करते हैं तो उनको अपनी गलत रवश के फितरी नतायज तबाही और बर्बादी की सूरत में भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि ये तबाही और बर्बादी इंसानों के अपने अमल का फितरी नतीजा होती है, खुदा खारिज से वारद नहीं करता, इसलिए कहा कि खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। संख्या में खुदा ने हलाकत रखती है, जो नहीं खाता वो हलाकत से बचा रहता है और जो खा लेता है तो वो हलाक हो जाता है। ऐसे शख्स को खुदा ने हलाक नहीं किया होता बल्कि हलाकत उसके अमल का फितरी नतीजा होता है। अगर खुदा जबरदस्ती किसी शख्स को संख्या खिलाए तो फिर यह हलाकत खुदा की तरफ से होगी, लेकिन खुदा तो ऐसा करता ही नहीं है। ये जो इंसानों का इंसानों पर जोरो जबरो सितम होता है यह होता है जुल्म, खुदा की तरफ से जुल्म नहीं होता। मसलन जो आग में हाथ डालेगा उसकी उंगली जलेगी, यह उसके अमल का फितरी नतीजा है। खुदा ने उंगली नहीं जलाई, अलबत्ता खुदा के कानून ने अमल किया। अगर उंगली आग में ना डाली जाती तो ना जलती और खुदा का जलाने का कानून लागू ना होता। अगर खुदा जबरदस्ती उंगली पकड़कर आग में जलाए तो यह खुदा की तरफ से जलाना होता, लेकिन खुदा ऐसा नहीं किया करता। आयत नंबर 32। वया कौम इन्नी अखाफु अलैकुम यौम अत्तनाद, और ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं डरता हूं कि तुम पर ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुम एक दूसरे को मदद के लिए आवाजें दो और कोई किसी के लिए कुछ ना कर सके। यौमुत्तनात, दुहाई देने वाला दिन, यानी वो दिन वो दौर जब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारा जाए। आयत नंबर 33। يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد। उस दिन तुम तबाही से मुंह फेर कर भागोगे और तुम्हें अल्लाह के कानून मुकाफात के नताइज से कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और जो लोग खुदा का बताया हुआ सही रास्ता छोड़ देते हैं उन्हें कोई कामयाबी की राह नहीं दिखा सकता। यौमा तो वल्लूना मुदबिरीन, वो दौर जिसमें भागड़ मच जाए जैसे कोई मैदानी जंग में शिकस्त खाकर पीठ दिखाकर भागता है। वामई युजले लिल्लाहु फमालहु मिन हाद का मफहूम,
عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ یہ جو اوپر ذکر ہوا ہے جتنی دلیلیں دی گئی ہیں ان سب کا اس ترجمے نے ناس کر دیا۔ عمومی ترجمے کی روح سے مجرم تو کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی جرم ہی نہیں، کیونکہ تمہارے ترجمے کی روح سے خدا خود کہہ رہا ہے کہ خدا جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا۔ ہمیں تو خدا نے گمراہ رکھا تو پھر تباہی و بربادی کیوں؟ خود ہی وہ گمراہ کرتا ہے اور خود ہی تباہ کرتا ہے۔ ابھی ابھی تم نے اپنے ترجمے کی روح سے کہا کہ خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اوپر آیات 31 اور 33 میں ربط نہیں بن رہا، عمومی ترجمے سے اوپر سے چلتی آ رہی تعلیم کا الٹ ہو گیا۔ قرآن کریم نے اگلی ہی آیت میں کہا قَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، سورہ 40 آیت نمبر 34۔ جو لوگ حدود شکنی کرتے ہیں، قوانین خداوندی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں، یعنی مسرفن اور مرتاب، سورہ 40 آیت نمبر 34۔ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ قانون شکنی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ قوم صحیح راستے پر چل نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو خود غلط راستے پر چلتی ہے۔ فرد یا قوم کو خود برضا اور رغبت اپنے اختیار و ارادے سے صحیح راستے کی طرف آنا ہوتا ہے، کوئی دوسرا صحیح راستے پر نہیں لا سکتا، اور ڈنڈے کے زور پر صحیح راستے پر لانا انسان کے اختیار و ارادے کے سبب خدا کو مطلوب نہیں۔ آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور دیکھو، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہاری طرف خدا کے واضح قوانین لے کر آیا تھا، لیکن تم نے اس کے لائے ہوئے قوانین کے بارے میں شک کرنا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو تم نے سمجھا کہ جان چھٹی، اب اللہ کسی کو روکنے ٹوکنے کے لیے رسول بنا کر ہماری طرف نہیں بھیجے گا۔ یاد رکھو، جو لوگ حدود شکنی کرتے ہیں، قوانین خداوندی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں۔ مسرفن اور مرتاب کا مفہوم، کہا کہ مسرفن اور مرتاب، لوگ گمراہ ہوتے ہیں، خدا نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ پیمانہ اصل چیز ہے، ورنہ خدا کی تخلیق کردہ کوئی چیز شر نہیں ہے۔ مثلا حکیم کی ہدایت کے مطابق سنکھیا کے چند قطرے لینا موجب صحت ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں سنکھیا کھا لیا جائے تو خدا کا قانون یہ ہے کہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ یہ خدا کی وارننگ ہے کہ زیادہ مقدار میں سنکھیا مت کھانا۔ اب جو خدا کے اس قانون کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ مرتاب ہے، اور جو شک کرنے کے بعد سچ مچ زیادہ مقدار میں سنکھیا کھا لے گا تو یہ مصرف ہے، جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ اب مفہوم یہ ہو جائے گا کہ جو قوانین خداوندی کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑتا ہے اور حدود فراموش ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہی کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ انسان خود ہی شکوک و شبہات میں پڑتا ہے اور خود ہی حدود فراموش ہوتا ہے۔ خدا تو کچھ نہیں کرتا، شر تو انسان خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے۔ انسان مصرف بھی خود بنتا ہے اور مرتاب بھی خود بنتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا کبھی گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنے کا کام تو شیطان کا ہے۔ آیت نمبر 35۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔
जो लोग गवानी ने खुदावंदी के बाब में बगैर किसी कतई दलील के कट हुजतियां करते रहते हैं, उनकी ये रवश कानून खुदावंदी के नजदीक और उन लोगों के नजदीक जो खुदा के कवानीन की सदाकत पर ईमान लाए हैं, बड़ी ही नापसंदीदा रवश होती है। ऐसा ही होता है कि गलत रवश पर चलने वाले जो तकब्बर और इस्तबदाद से काम लेते हैं, खुदा के कानून मुकाफात की रूह से उनके दिलों पर मोहरें लग जाया करती हैं। आयत नंबर 36। وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب اور فرعون نے مرد مومن کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا، اے ہامان میرے لیے ایک بلند سی عمارت بنواؤ جہاں سے میں۔ آیت نمبر 37۔ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب۔ آسمانوں کے ان راستوں پر جا پہنچوں جو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی طرف جاتے ہیں، اور پھر میں اس کے خدا کو ذرا جھانک کر دیکھوں، میں اس شخص کو اس کے دعوے میں بالکل جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اس ذہنیت کی وجہ سے فرعون کو ہر بری بات بھلی اور خوشنما بن کر دکھائی دیتی تھی، اور اسے صحیح راستے کی طرف آنے نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ اس کی چالوں کا نتیجہ سوائے اس کی اپنی تباہی و بربادی کے کچھ نہ نکلا۔ جب دلائل پر مبنی باتوں کا جواب نہ بن پڑا تو فرعون استہزاء پر مذاق اڑانے پر اتر آیا اور مذہبی پیشوا حامان سے مخاطب ہوا، لیکن مرد مومن نے فرعون کی بات پر توجہ نہ دی اور اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ آیت نمبر 38۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد۔ مرد مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں اس کے مطابق کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ آیت نمبر 39۔ یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم، اس دنیا کا مفاد تو چند روزہ یعنی عارضی ہے، اور مستقبل یعنی اخروی زندگی کا مفاد پائیدار ہے۔ انسان کا حقیقی ٹھکانہ حیات اخروی ہے، کیونکہ یہ دنیا تو ایک راہ گزر ہے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے متاع حیات ہے، مقصود بذات نہیں ہے۔ پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیاوی سامان زیست کی استعمال کی عمر ہی کتنی ہے۔ بس طبعی زندگی تک۔ دوسری بات یہ کہ کسی کو معلوم نہیں اگلا سانس آئے گا بھی یا نہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ موت نے آنا ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کی چیزوں کو متاع کہا ہے، اور متاع کے معنی ہے وہ ضروری سامان جو ایک مسافر طے کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ دوران سفر منزل کی طرف جانے کے لیے انہیں استعمال میں لایا جائے۔ متاع مقصود بذات نہیں ہوتی، بلکہ مسافر کے سفر طے کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح صابن کا مقصود منہ ہاتھ دھونا اور نہانا ہے، غذا کا مقصود زندگی برقرار رکھنا ہے، سواری کا مقصود منزل پہ پہنچنا ہے۔ اگر آپ سواری ہی کو مقصود بذات سمجھ لیں اور گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے رہیں تو یہ بے مقصد ہے۔ مرد مومن نے کہا کہ دنیا دار القرار نہیں ہے، یہ مستقر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے اتنا ہی چاہیے جس سے سفر طے ہو جائے، زیادہ لاد لینے سے تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، دار القرار مستقر رکنے کی ٹھہرنے کی جگہ موت کے بعد اخروی زندگی ہے۔ قرآن کریم نے بھی دنیا کے لیے یہی کہا ہے کہ جو مستقر ہے وہ زندگی بعد زندگی میں ہے۔ قرآن اس دنیا کو بھی مستقر نہیں بتاتا۔ انسان کی طبعی زندگی کا مقصد اول و آخر یہ ہے کہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے، یہی مقصود بذات ہے، باقی اشیاء کائنات ذریعہ ہیں۔
आयत नंबर 40। من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب। खुदा का कानून यह है कि जो शख्स बुरे काम करता है उसे बुरे कामों के मुताबिक बदला मिलता है, और जो कवानीन खुदावंदी के मुताबिक सलाहियत बख्श काम करता है, ख्वाह वो बिला तमीज मोमन मर्द हो या मोमिना औरत, तो उनका मकाम जन्नत होगा जिसमें वो बेहद्दो हिसाब सामान जीज और आसाइशें पाएंगे। आयत नंबर 41। ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار। ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे भाइयो, क्या अजीब बात है कि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ जो तुम्हें हर किस्म की मुश्किलात और मसाइब से महफूज रखे, और तुम मुझे उस रास्ते की तरफ बुलाते हो जो तबाही के जहन्नम की तरफ ले जाता है। आयत नंबर 42। تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار। तुम मुझसे कहते हो कि मैं अल्लाह के कवानीन का इनकार कर दूं और उसका शरीक ऐसी हस्तियों को ठहराऊं जिनके इक्तदार और इख्तियारात के सबूत में मेरे पास कोई दलील नहीं, और उसके बारे में तुम्हें खुदा के कवानीन की तरफ दावत दे रहा हूं जो हर किस्म के गलबा और कुव्वत का मालिक है, जो उसके कवानीन के तजवीज करदा रास्ते पर चलता है, वो हर किस्म के खतरात से महफूज रहता है। आयत नंबर 43। لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار। हकीकत यह है कि तुम मुझे जिस बात की दावत देते हो उसमें ना दुनियावी जिंदगी में अमन सुकून है और ना ही हयात आखरत में। याद रखो, हमारे और तुम्हारे तमाम मामलात के फैसले खुदा के कानून मकाफात के मुताबिक होते हैं, लिहाजा जो लोग खुदा की राह से सरकशी इख्तियार करते हैं उनका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होता। आयत नंबर 44। فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد। وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد। اے میری قوم کے لوگوں, جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکا, तुम अनकरीब मेरी इन बातों को याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूं, और मैं अपने तमाम मामलात को उस खुदा के सुपुर्द करता हूं जो अपने तमाम बंदों के कवायफ व अहवाल से वाकिफ है। उफव्वेजो के मानी है तफवीज कर देना, किसी के सुपुर्द कर देना। कुरान के मर्द मोमिन की तकरीर यहां खत्म होती है। आयत नंबर 45। فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ। पस अल्लाह ने उसको मर्द मोमन को उनके मुखालिफाना दाव पेच की आफतों से महफूज रखा जो हक गोई की पादाश में वो उसके खिलाफ चलना चाहते थे, और फिरौन और उसके साथियों को सख्त तबाही के अजाब ने आ घेरा। आयत नंबर 46।
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب। वो इस दुनिया में रोज सुबह शाम यानी हमा वक्त तबाहियों बर्बादी के अजाब में मुबतला रहे और कयामत के दिन भी उनके मुतालिक हुक्म दिया जाएगा कि इन्हें सख्त अजाब में मुबतला करो। सूरह 7 आयत नंबर 133, सूरह 28 आयत नंबर 42। कुरान अल हकीम के नजदीक रोज सुबह शाम की तबाहियां गलत निजाम में तखरीबी कामों के अवाकिब होते हैं। पहली बात तो यह है कि बातिल निजाम में तखरीबी आमाल के नताइज इसी दुनिया में अजाब बनकर नमूदार होते हैं। अब गलत निजाम के अवाकिब के तौर पर कौमें फिरौन पर सुबह शाम यानी मुसलसल जो तबाहियां आती रही, तो ये क्या तबाहियां थीं जो आती रहीं? गलत निजाम के अवाकिब शुरू में छोटी छोटी तबाहियों की शक्ल में होते हैं। छोटी तबाहियों को कुरान मोहलत कहता है कि अपने अंदर सलाहियत या इसलाह पैदा कर लो कि तुम तबाहियों से बच जाओ। अगर कौम संभल जाए तो फिर बड़ी तबाही नहीं आती और अगर वो कोई तवज्जो न दें और तकरीबी कामों में आगे बढ़ते चले जाएं तो फिर तबाहियां और भी बढ़ती चली जाती हैं, यहां तक कि वो वक्त आ जाता है कि फिर बचने की कोई शक्ल नहीं रहती और वो कौम तबाहो बर्बाद हो जाती है। तबाहो बर्बाद होने का यह मतलब नहीं कि कौम का सफाए हस्ती से नामोनिशान मिट जाता है। उस कौम के अफराद जिंदा होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जिंदा अकवाम की सफों में उनका शुमार नहीं होता। ये अशद्दल अज़ाबे सूरह 40 आयत 46 है। ये तबाही की आखिरी शदीद तरीन शक्ल है। इंसानी दुनिया में छोटी छोटी तबाहियां इसलिए आती हैं ताकि लोग खड़े होकर सोचें और इसलाह कर लें। मसलन दर्द या बुखार हुए बगैर या कोई और अलामत जाहिर हुए बगैर अगर मौत वाकई हो जाए तो दवा दारू का मौका ही नहीं मिलेगा। तबीयत की खराबी की अलामत भी खुदा की रहमत है कि हम दवा दारू करा लेते हैं, इसलाह कर लेते हैं, यह मोहलत होती है। अगर हम तबीयत की खराबी पर तवज्जो न दें तो फिर मरहला ला इलाज का आ जाता है और फिर मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अक्सर देखा गया है कि जब कोई तकलीफ या मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें बचा ले, फिर तू देखना कि हम कितने नेक बनते हैं। हमारी ये कहने का मतलब यह है कि हमें एहसास हो गया है कि इसलाह कर लेनी चाहिए। कुरान कहता है कि थोड़ी सी इसलाह के बाद इंसान फिर पहले की तरह वही कुछ करने लगता है। आयातिन मुफस्सलातिन, दूसरे मुकाम पे कहा है कि गलत निजाम की ये तबाहियां जिन्हें कुरान अजाब कहता है किस शक्ल में आती थीं? मसलन फा अरसलना अलैहिम मुत्तूफान सूरह 7 आयत नंबर 133। कौमें फिरौन पर सैलाब आए, वल जराद सूरह 7 आयत 133। टिड्डी दल ने तबाही मचाई, जराद के मानी है तन्हा रह जाना, अकेला रह जाना, तबाह हो जाना, साथ कोई ना होना। जब टिड्डी दल हमलावर होता है तो दरख्तों और खेतों पर एक पत्ता नहीं छोड़ता। उर्दू में हम मुजर्रद का लफ्ज बोलते हैं, इसी से जराद का लफ्ज है। वल कुम्मला सूरह 7 आयत 133। फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े पैदा हुए, अमूमी तर्जमा किया जाता है कि उनको जुएं पड़ गईं। जुएं पड़ती रहती हैं, उनको कौन अजाब कहता है? अजाब तो फसलों को बर्बाद कर देने वाले कीड़े ही हो सकते हैं। वस्सफादे आ सूरह 7 आयत 133। मेंढकों की कसरत हो गई, वद्दमा सूरह 7 आयत 133। फसाद खून की बीमारियां रूनुमा हो गईं। हमारे यहां कह दिया गया कि बारिश की जगह खून टपका करता था। जिन छोटे छोटे अजाबों का जिक्र हुआ है उनमें से कोई अजाब आसमान से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि जो कुछ कौम फिरौन को दरपेश आया वो उनके निजाम की खराबियों की वजह से पेश आया था। जाहिर है कि बंद बनाते हुए सीमेंट कम डाली जाएगी तो बंद तो टूटेंगे और सैलाब आएंगे। आज दवाइयों का स्प्रे करके टिड्डी दल और फसलों को बर्बाद कर देने वाले कीड़ों का खात्मा कर दिया गया है। फसाद खून का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। इन सब बातों की रोकथाम कौम फिरौन के कर्ता धरता अपने निजाम में सुलह करके कर सकते थे,
लेकिन फस्तक बरू सूरह 7 आयत नंबर 133 कुव्वत के नशे में इसलाह की तरफ उनकी निगाह ना उठी क्योंकि वो तो अपने साफ सुथरे महल्लात में महफूज थे। तबाहियां या आजाब तो आम आबादी में आ रहा था। वकानू कौम मुजरमीन सूरह 7 आयत 133 वो थी ही मुजरम कौम। मुजरम कौम में सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं। आपने देखा कि किस जुर्म की बिना पर उन्हें मुजरम कौम कहा गया। निजाम में इसलाह न करने की वजह से उन्हें मुजरम कौम कहा गया है। हम तो जरायम पेशा लोगों ही को मुजरम कहते हैं और अपने घर के कूड़ा करकट को किसी के दरवाजे के सामने या गली में फेंकने को हम जुर्म नहीं समझते। हालांकि ये भी जुर्म है। इससे गंदगी फैलती है जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। जो कौमें अपने कूड़ा करकट को जलाती हैं या सही ठिकाने पर लगाती हैं उनके यहाँ बीमारियों की शरह बहुत कम है। जुल्म के मानी है दूसरे के दरख्त का फल काटकर अपने घर ले जाना, यानी जिसके घर जाना चाहिए था वहां ना जाना, जिस चीज को जहां होना चाहिए था उसका वहां ना होना। जाहिर है जो दूसरों की मेहनत के सहारे जिंदगी का आदी हो जाएगा उसमें मेहनत करने की सलाहियत नहीं रहेगी, जबकि इंतजामी इसलाहात के लिए तो इंतजामियों को मेहनत करनी होती है जिसका उनके यहां भुगतान होता है। नतीजतन मुआशरे में बदनज़मी फैलती चली जाती है। कौमे फिरौन ने इन तबाह से कोई फायदा ना उठाया, अपनी कोई इसलाह ना की, यानी इसलाहन उनके आमाल गैर साले ही रहे तो फिर उन पर अशद्दल अजाबे सूरह 40 आयत 46 आ गया। अजाब का तसव्वुर दुनिया व आखरत दोनों को मुहित है क्योंकि जिंदगी जुए रवां है। जब दीन मजहब में तब्दील हुआ तो हमने दुनिया व आखरत को एक दूसरे से अलग कर दिया तो हमारे जहन के भी दो हिस्से हो गए। अजाब को जब हम दुनियावी मामलात के लिए बोलते हैं तो उसका मफहूम कुछ और लेते हैं, लेकिन जब अजाब का लफ्ज हम कुरान करीम में पढ़ते हैं तो उसका नक्शा हमारे जहन में कुछ और होता है। यूं हमारे फिक्र नजर और जहनीत के दो हिस्से हो चुके हैं। हम रोज दुनियावी दुख मसायबों मुश्किलात से घबरा कर दूसरों से कहते हैं कि साहब हम तो आजकल अजीब अजाब में गिरफ्तार हैं। जब हम दुनियावी दुख तकलीफ व मसायब के लिए ये लफ्ज बोलते हैं तो कुरान में जिक्र अजाब की तरफ हमारा जहन नहीं जाता, लेकिन जो ही हम कहते हैं कि कौम फिरौन पे खुदा का अजाब आ गया तो उस वक्त दुख तकलीफ मसायब और परेशानियों के मुतालिक हम समझते हैं कि खुदा ने आसमान से कोई चीज उतारी होगी या खुदा ने कुछ किया होगा जिसने कौम फिरौन को अजाब में मुबतला कर दिया, यानी जिसके मानी में हम अपने दुख तकलीफ और मसायब के लिए अजाब का लफ्ज बोलते हैं। कौमों पर आए हुए अजाब को हम इस मानी में नहीं लेते। दुनिया में हम दुख तकलीफ और मसायब में अपनी गलत रविश या बातिल निजाम में जिंदगी बसर करने के नतीजे में अजाब में मुबतला होते हैं। तो जब किसी साबिका कौम के बारे में ये आए कि वो खुदा के अजाब में गिरफ्तार होकर तबाहो बर्बाद हो गए तो उसके मानी भी यही हैं कि वो खुद अपने बातिल निजाम में जिंदगी बसर करने के नतायज में मुबतला हुए। ऊपर गुजर चुका है कि खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता सूरह 40 आयत नंबर 31। खुदा ने जो कुछ तख्लीक किया है इंसानों का गलत इस्तेमाल खुदा की तख्लीक को शर बना देता है जिसके नतीजे में इंसान खुदा के अजाब में मुबतला होते हैं। खुदा का अजाब इसलिए कहते हैं कि अच्छा और बुरा नतीजा खुदा के कवानीन की रूह से बरामद होता है। अजाब चाहे इस दुनिया में एक फर्द से मुतल्लिक हो, चाहे अकवाम से मुतल्लिक हो, उखरवी जिंदगी से मुतल्लिक हो, वो इंसानों की अपनी गलत रविश के फितरी नताइज होते हैं। जिंदगी चूंकि एक जुए रवां है इसलिए जिन आमाल के नताइज इस दुनिया में ना निकल सकेंगे उखरवी जिंदगी में यकीनन उभर कर सामने आ जाएंगे। जब ये आए कि खुदा उन्हें अजाब देगा या कौमों पर खुदा का अजाब आ गया या खुदा उन्हें अजाब में मुबतला करेगा तो इसके मानी ये नहीं है कि खुदा उसी तरह खारिज से अजाब देगा जिस तरह खारिज से एक जालिम के खंजर से मजलूम की मौत वाके होती है। खुदा खारिज से कुछ वार्द नहीं करता, ना जन्नत और ना जहन्नम। जो कुछ इंसान पर वार्द होता है आज या साबिका अकवाम पर या उखरवी जिंदगी में वो सब हमारे आमाल का नतीजा होता है। जैसे संख्या में फितरी नतीजा हलाकत पोशीदा है, जब मिकदार से ज्यादा खा लिया जाए तो संख्या में पोशीदा फितरी नतीजा
हलाकत यानी अजाब महसूस तौर हलाकत की सूरत में सामने आ जाता है। अजाब का लफ्ज इस दुनिया के लिए बोलें या साबिका अकवाम के लिए या उखरवी जिंदगी के लिए, वो सब इंसानों के गलत आमाल या गलत रवश के फितरी नताइज होते हैं। लिहाजा जहन को दो हिस्सों में बांटने की जरूरत नहीं है। दुनिया में खराबियां, बर्बादियां और फसादात जो पैदा होते हैं, ये खुदा ही के अजाब हैं, क्योंकि ये खुदा के कानून के मुताबिक इंसान के तकरीबी अमल का फितरी नतीजा होते हैं। तकरीबी अमल के महसूस नताइज जो इस दुनिया में सामने आते हैं, उनके लिए भी अजाब ही का लफ्ज है। कुरान सजा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, अजाब का लफ्ज इस्तेमाल करता है जो इंसानों के तकरीबी अमाल के फितरी नताइज या अवाकिब होते हैं। खराबियों के नतीजे में जो कुछ कौमों पर बीतती है, कुरान उसके लिए अजाब का लफ्ज लाता है। इसके मानी तबाही और बर्बादी कीजिए या मुआशरे की खराबियां कीजिए या अफराद और अकवाम में जो नुकायस और असकाम पैदा होते हैं वो कीजिए तो बात समझ में आ जाती है। कुरान में किसी एक कौम का भी जिक्र नहीं जो नमाजो रोजा अदा न करने की वजह से तबाह हुई हो। जो कौम भी तबाह हुई वो गलत निजाम में जिंदगी बसर करने के तकरीबी नतायज की वजह से तबाह हुई है। कुरान इनफरादी नहीं इजतमाई बात या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहकर करता है। कुरान में जो दुआएं हैं अंबिया इकराम की दुआओं को छोड़कर वो भी इजतमाई हैं। लिहाजा कुरान का मंशा इजतमाई निजाम कायम करने के लिए एक जमायत मोमिनीन पैदा करना है। आमाल साले और गैर साले की वजाहत और उनका महसूस अमली नतीजा। कुरान सबसे पहले इस दुनिया की बात करता है कि इंसानियत की सतह पर जिंदगी कैसे बसर की जाए। उसके बाद उखरवी जिंदगी की बात करता है जो दुनियावी जिंदगी ही का तसलसल है। अजाबो सवाब नाखुशगवार और खुशगवार जिंदगी दोनों को कुरान इसी दुनिया से शुरू करता है। सख्तरीन दुनियावी अजाब के बारे में कुरान कहता है खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया सूरह दुआ आयत 85। इसी दुनिया में जिल्लत व पस्ती का अजाब। अब अजाब के मानी आपके सामने आ गए। इस दुनिया में तकरीबी आमाल या बातिल निजाम में जिंदगी बसर करने का फितरी नतीजा खुदा के कानून की रूह से जिल्लत व पस्ती का अजाब है। जिल्लत व पस्ती का अजाब इसी दुनिया में जिंदगी की गलत रविश का नतीजा है। एक इंजीनियर बंद बनाते हुए अपने मुफाद के लिए कम सीमेंट, रेत और बजरी में डालता है और बहुत सी सीमेंट के पैसे अपनी जेब में डाल लेता है, तो उसका ये अमल गैर साले है। अब ऐसा बंद तो सैलाब में टूट कर ही रहेगा। देखा आपने तकरीब नतीजा है अमले गैर साले का। इसको कुरान अपनी जुबान में अजाब कहेगा। अगर ऐसा इंजीनियर नमाज रोजा की अदायगी करता है तो मजहब इनको आमाले साले कहता है और जो उसने सीमेंट कम इस्तेमाल की है उसको दुनियादारी कहता है। मजहब ने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया। कुरान कहता है कि मजहबी रसूमात अदा करने वाले का हर वो अमल जो निजाम में इंसानी मुआशरे में बगाड़ या तकरीबी नतायज पैदा करता है वो आमाले गैर साले हैं, और हर वो अमल जो निजाम को मुस्तहकम करता है, मुआशरे में हमवारियां पैदा करता है, वो अमले साले है। बातिल निजाम में अहलकार जो जिम्मेदारियां अदा करते हैं वो गैर साले अंदाज में अदा करते हैं। इसलिए मुआशरे को तरह तरह के मसायबों तकालीफ का सामना करना पड़ता है। हम रोज कहते हैं कि मोहल्ले की सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा करकट के जगह जगह ढेर बन गए हैं, तफन फैल रहा है, फजा मकद्दर हो गई है, इससे बीमारियां और तबाहियां फैल रही हैं। कुरान इसे यूं कहेगा कि बातिल निजाम के आमाले गैर साले से इन पर बीमारियों का अजाब आ गया। बातिल निजाम में दवाई खालस नहीं मिलती तो बीमारियां फैलती हैं। इसको कुरान यूं कहेगा कि वो कौम अपने गैर साले आमाल की वजह से हमारे अजाब में मुबतला हो गई। ये अजाब आसमान से नहीं उतरा करता बल्कि बातिल निजाम में लोगों के तकरीबी आमाल का फितरी नतीजा होता है जो अजाब की शक्ल में नमुदार हो जाता है। यह है जिसे खुदा का अजाब कहा जाता है। कौम फिरौन या दीगर अकवाम के बारे में जब हम अजाब की बात सुनते हैं तो समझते हैं कि आसमान से इन पर अजाब नाजल हुआ होगा और अकवाम के तकरीबी अमाल के फितरी नतीजे की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारी गलती है कि हमने खुदा को भी हमारे यहाँ के बादशाहों जैसा समझा हुआ है जो खारिज से लोगों को सजा देते हैं।
खुदा ऐसा नहीं करता, वो आमाले बद के फितरी नताइज की शिकार कौम को कहता है कि वो हमारे अजाब में मुबतला हो गए। वो खुद कहता है कि सारी मखलूक मिलकर भी हमारी खुदाई में ना इजाफा कर सकती है और ना तखफीफ। हमारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, तो फिर हमें क्यों गुस्सा आएगा। वो कहता है कि अच्छे या बुरे अमाल का असर हम पर नहीं पड़ता, बल्कि खुद तुम्हारी अपनी जात पर पड़ता है। बुरे अमाल का बवाल खुद तुम पर पड़ता है, इसलिए खुदा कहता है कि अगर तुम सही काम करते रहो तो हमें तुम्हें अजाब देकर क्या करना है। यानी हमारा कानून तकरीबी नतायज क्यों पैदा करेगा। हमारे जहनों में तो यह है कि जहां खुदा को गुस्सा आया, अपने मलाइका को हुक्म दिया कि जाओ फलां बस्ती को तबाह कर दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गैर साले आमाल के तकरीबी नतायज नमाज रोजा से दूर नहीं होते। अलबत्ता कुरान की सलात में यह सलाहियत है कि इंसान गलत काम नहीं करता। अगर गलत काम सरजद हो जाए तो कुरान की सलात सलाहियत बख्श कामों के मवाके सामने लाती है। सलाहियत बख्श काम गलत काम के मुजर असरात को मुआशरे और खुद उस इंसान की जात से जायल कर देते हैं। कुरानी सलात तस्बीह और जिक्र के बारे में तफसील से मुलाहिजा फरमाएं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 3 के तहत आयत नंबर 47। وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ। जब तबाही और बर्बादी के अजाब में मुबतला लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो कमजोर अवाम, जिन्हें बड़े बड़े लीडरों ने अपने पीछे लगा रखा था, लीडरों से कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे रहे तो क्या तुम इस अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर नहीं कर सकते। सूरह 14 आयत नंबर 21, सूरह 33 आयत नंबर 67, सूरह 37 आयात 27-29, सूरह 38 आयत नंबर 60, आयत नंबर 48। قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد। उनके लीडर उनसे कहेंगे कि अब तो हम सब के सब इस अजाब में मुबतला हैं, और ये कि ये इंसानों के आमाल के मुतालिक खुदा का फैसला है, इसमें रद्दो बदल करने की किसी को मजाल नहीं। सदकल्लाहुल अज़ीम।